नमस्कार दोस्तों, डेट 19 दिसंबर 2020 को पटना आ रहा हूँ और 20 दिसंबर 2020 को कलकत्ता के लिए आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो कृपया मुझसे संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। ये एक महिला का पाम है, यानी फीमेल पाम है। इनकी एज 26 ईयर्स है और इनको अपने कैरियर के बारे में जानना है। बहुत अच्छा हाथ है, पर ये क्यों मेरे पास आया उसका कारण है कि अभी इनके जीवन रेखा नहीं है, तो जीवन में संघर्ष भरपूर रहता है उस व्यक्ति के जिनके जीवन रेखा नहीं होती जिस पीरियड में। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी उत्तम जीवन जिएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। काफ़ी अच्छी साइन लेकर पैदा हुए व्यक्ति है। हाँ, एक दो प्लस माइनस भी है, अलग नेगेटिव साइन भी है, तो उसका क्या नेगेटिव फल होता है वो भी मैं जानकारी दूंगा। बाकी ओवरऑल पैसे के मामले में काफ़ी उत्तम पाम है। ज़्यादा टेंस आएगा नहीं जीवन में, अच्छी खासी ग्रोथ इनको जीवन में मिलेगी। और एक इनको शादी के बारे में भी जानना है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, प्लस मेहनत वाले भी होते हैं, मेहनत भी करते हैं। फर्स्ट फैलेंज मुड़ रहा है, यहाँ पर फोल्ड हो रहा है, तो ऐसे लोग चुटकी बजाकर मित्रता बनाते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी काफ़ी उत्तम है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और कहीं ना कहीं अंगूठा एक फीमेल पाम में जैसा होता है उतना ही उत्तम तरीके का अंगूठा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नेचर रहेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नेचर रहेगा। फैलेंज जब थोड़े से भी नुकीले हो तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और ये उंगली, सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है, बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव देती है और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं और रिस्क टेकर भी होते। जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये एक माइनस पॉइंट है। ये जब उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में कमज़ोर रहेंगे। पर इनके पाम में एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर नहीं पाए जाते। हाँ, एक बात मुझे ज़रूर सताती है, आप अपने लेवल पर चेक करना ये तिल है या केवल दाग है। अगर ये तिल होगा तो आपका या आपके हस्बैंड का कभी ना कभी जीवन में इलीगल काम करोगे आप। ये एक तरह का माइनस पॉइंट है अगर तिल होगा तो। इलीगल काम जिसे कहते वो करवाएगा आपसे अगर तिल होगा तो। नहीं है, दाग है तो भूल जाइए। एक और माइनस पॉइंट इनके हाथ में है, वो यहाँ पर। इस हाथ को मैं पहले प्लस पॉइंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक तिल है, ये तिल एक तरह का सम्राट योग। पर सम्राट योग एक ऐसा बड़ा शब्द है, उसको देखकर लोग खुश हो जाते हैं, आहा सम्राट योग है। सम्राट को भी तकलीफें आती है जीवन में, तो ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि सम्राट है यानी बहुत अच्छा। हाँ, इसका एडवांटेज मिलता है, व्यवस्थित घर होता है और इस योग के कारण रसोई घर बंद नहीं होता। ये लोग जिस घर में रहते वहाँ रसोई निरंतर बनती रहती है और मेहमान घर पर खाकर भी आए होंगे तो भी वो कोई ना कोई चीज़ खा कर जाएंगे। यानी ऐसे बच्चों के घर में अगर माँ है तो खाना बना बना के पक जाती है, इतने मेहमान आते। और ये खुद भी जब खुद का घर शादी हो जाएगी तो उस घर में भी इस तरह की कंडीशन इस सम्राट योग से बनेगी। एक माइनस पॉइंट इस हाथ में ये है, ये जब त्रिकोण बनता है यहाँ पर केतु पर महिलाओं के हाथ में, पुरुष शब्द कमेंट में मत लिखना कि पुरुष के हाथ में हो तो क्या होता है, पुरुष के हाथ में जनरली ये होता नहीं, और होता भी है तो आपको इंटरेस्ट दिलाएगा एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री इस तरह के मिस्ट्री साइंस में, तो मैं पहले ही जवाब दे दूँ, पर पुरुष के हाथ में अभी तक मैंने देखा नहीं है। महिलाओं के हाथ में होता है तो प्रसूति के समय मैं इनको खास कहूँगा, जितनी बार भी आप किसी संतान को जन्म लेने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, जितनी भी बार भी, एक बार दो बार, हमेशा कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, कोई ना कोई तकलीफ आएगी। या आप मानसिक तैयारी रखकर चलना और कोशिश करना अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल जो आधुनिक सुविधाएं रहती हो उसी में आपकी डिलीवरी हो। ये खास आपको इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर यह साइन अपना नेगेटिव फल देती है। हाँ, आप अगर अच्छी आधुनिक हॉस्पिटल में और व्यवस्थित जो नामचीन डॉक्टर होते हैं उनका सहारा लेना, यह आपसे खास आग्रह है मेरा। मैं ये चाहता तो मैं वीडियो के अंत में भी ये सब्जेक्ट को ले सकता था, पर मैंने ये तुरंत लिया कि आपको इसका एहसास हो, ये आपको खास जीवन में ध्यान देना है। ये 100% नेगेटिव फल देता है। हाँ, इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, प्रॉब्लम उस समय क्रिएट होता है, पर किसी की मौत या किसी का जान जाना वो नहीं होता, पर इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। बस इतना मैं आगाह करता हूँ, एंड में रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, पर वो पॉजिटिव रिजल्ट आते आते तक में तो पूरा परिवार और आप खुद भी परेशान रहोगे। तो ये नेगेटिव जरूर है, पर उतना भी नहीं कि किसी की जान ले ले। तो इस साथ में ये प्लस पॉइंट भी मैं आपको बता दूँ, यानी उतना घबराना ना हो, पर आधुनिक सुविधा वाली हॉस्पिटल और एक व्यवस्थित डॉक्टर जो एक्सपीरियंस होल्डर हो, ये खास आपको ध्यान देना है। चाहे शहर के किसी भी, और ग्रामीण क्षेत्र में तो जाना ही नहीं, मेट्रो सिटी के आसपास या कोई जहाँ पे भी आपको योग्य लगे। अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम पर। यहाँ पर थोड़ी सी निर्दोष रूप से ये रेखा घूम रही है, तो आपको हस्बैंड कहीं ना कहीं सुंदर मिलेगा, पर थोड़ा सा हल्का सा 10-20% थोड़ा सा डोमिनेटेड माइंड भी मिलेगा, पर काफ़ी एट्रैक्टिव मिलेगा आपको हस्बैंड। बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ऐसे लोग मन की बात उतनी स्पष्टता से नहीं कर पाते। आप चाहोगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती, छोटा भी काम करे तो व्यक्ति को लगता है नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन भी है, तो व्यक्ति को जीवन में यश भी अच्छा खासा प्राप्त होगा। ये आईटी प्रोफेशन है इनका, क्वालिफाइड है, बीटेक किया हुआ है, और ये आईएएस की तैयारी भी करना चाह रहे थे, पर इनके हाथ में आईएएस से ज़्यादा मुझे फॉरेन कनेक्शन, जैसे एक सॉफ्टवेयर वाले के हाथ में दिखता है वैसा सेम फॉरेन कनेक्शन इनके हाथ में दिख रहा है। ये देखिए कितने सारे स्क्वायर है, एक ये भी स्क्वायर है, एक ये भी स्क्वायर है, एक यहाँ पर भी स्क्वायर है। ऐसे लोग इंटरनेशनल लेवल का काम करते हैं, तो मैं तो इनको सलाह दूंगा, आप आईएएस दिमाग में से निकाल दीजिए, आप सॉफ्टवेयर में ही आगे बढ़िए और काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। इनके पास शुभ साइन भी है, मैं उस पर भी आता हूँ, पर एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति को तीन माइनस पॉइंट में से कोई एक माइनस पॉइंट देता है। पिता से दूर रहना या पिता का साया छोटी उम्र में जाना या पिता से मतभेद, ये तीन में से कोई एक माइनस पॉइंट होता है। और चौथा माइनस पॉइंट होता है व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है या परिस्थिति ऐसा पैदा हो जाती है कि हमें पीछे आना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। अब चलते हैं इनकी साइनों को देखते हैं। ये देखिए, आपको क्लियर कट मैं मूछ दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मूछ बनी हुई है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ से ये लाइन चली और ऐसे चलकर ये देखिए यहाँ पर पूँछ भी बन रही है। जो व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। तो काफ़ी अच्छी साइन है इनके हाथ में। और ये एक नहीं, एक और इसके पास में ही है जो दूसरे फोटो में है। वो ये रही। दोनों पास पास में साइन है, इसके लिए दो अलग अलग फोटोग्राफ यूज किए। तो जीवन में समृद्धि तो काफ़ी अच्छी रहेगी। और मैं ये डिस्कस भी इनसे कर चुका हूँ कि आपके जन्म के बाद आपके माता पिता संपन्न बने, तो इनका कहना था यस। और ये इनको कैरियर में भी काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँचाएगी, काफ़ी ऊंचाइयों पर। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका जीवन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। तो आप अपने सॉफ्टवेयर वाले व्यवसाय पर ही ध्यान दीजिए कोई। और आपको कब से सफलता मिलेगी वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और अभी आप क्यों परेशान हो वो भी मैं बताऊँगा। ये जब लाइन रहती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी आय से अधिक अच्छे लोग संपर्क में आते हैं। इनकी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, इनके हाथ में ट्रायंगल भी है। तो विदेश सेटलमेंट के भी चांस ऐसे लोगों के बनते हैं या विदेश से धन प्राप्ति के चांस बनेंगे। जुपिटर माउंट जरा भी ख़राब नहीं है, काफ़ी उत्तम है, सारे फोटो में देख चुका हूँ। तो पारिवारिक और सांसारिक जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा। हाँ, जुपिटर माउंट बड़ा है, खाने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना भी बनता है, टेस्टी खाना बनता है इनके हाथों से। सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। पर इज्जत भरपूर मिलती है, कहीं पर भी गए तो स्टेटस काफ़ी अच्छा मिलता है इनको। ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। और कभी खराब समय भी आए जीवन में, इस तरह का खराब समय इतना इनके हाथ में है नहीं, तो भी टिकाए रखती है, नाम खराब होने नहीं देती। और आप अपने लेवल पर देख लेना ये स्क्वायर साइन है कि नहीं। अगर ये स्क्वायर साइन होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचोगे आप। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चार गुण 100% मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, अगर ये दबता होगा तो 100% कमज़ोर है। तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से थोड़ी सी कम रहती है। और इसी तरह का अगर स्ट्रांग होगा, उंगली दबा कर देख लेना, जनरली ऐसे तो स्किनें दबती है पर कहीं ना कहीं अगर कड़क दिखेगा आपको तो शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहेगी। और इतनी लाइनें किसी भी महिला के हाथ में एक कॉमन सी बात है, तो इसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइनें हैं ये व्यक्ति को सफलता दिलाती है। अगर ऐसे लोगों पर कोर्ट केस या हो तो ऐसे लोगों को 100% विजय प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है। ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्त करवाता है या कवि बनाता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों के लिए तो कॉमन सी चीज़ है। और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। हाँ, अगर जीवन रेखा से बहुत सारी शाखाएं जाती फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को फॉरेन सेटलमेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। और चंद्र पर्वत कितना बड़ा पार्ट लेकर रखा है, तो ऐसे लोग अच्छे परचेसर होते हैं। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और विदेश से संबंध आता ही है। मैं मनी ट्रायंगल के बारे में बता चुका हूँ, काफ़ी उत्तम मनी ट्रायंगल है। तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा करेंगे। और एक सर्टेन एज के बाद डबल माइंड लाइन भी है इनकी, या ये माइंड लाइन से ज़्यादा मुझे धन रेखा दिख रही है। मैं इस पर भी आऊँगा। ये लाइनें कभी न कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान दिलवाएगी इनको या इनके हस्बैंड को। शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। तो ज़्यादा लग्जरी के पीछे व्यक्ति भागता भी नहीं और लग्जरी से दूर भी नहीं भागता। और कोई साइन है अगर दिखे तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपके हाथ में सन माउंट पे अच्छी फिश साइन है, तो अगर पिता का कोई बिजनेस है तो आप शेयर रखने को बोल देना। और शादी के पहले अपने पैरों की छाप, जो माता के लिए जो सिंदूर यूज़ करते रेड कलर का, उसको या केसर को थोड़ा सा गाढ़ा घोल बनाना, हल्का सा। और पैरों की छाप ब्रांडेड कपड़े में लेना, सफ़ेद कपड़े में, जो 40 साल या 50 साल चले, ऐसे कपड़े में लेकर दुकान हो, फैक्ट्री हो, मकान हो, तिजोरी हो, घर, उसमें वो पैरों की छाप रखना। और कहीं ना कहीं बिजनेस में शेयर रखने की बात रखना। तो नहीं तो अगर किसी घर में किसी और के पास शुभ साइन नहीं होगी तो पैसा धीरे धीरे खलास हो जाएगा। और जहाँ शादी करोगे वहाँ पैसे वाला बन जाएगा व्यक्ति। और ये करोगे तो भी माता पिता के पास पैसा खराब नहीं होगा, खलास नहीं होगा। प्लस आप जहाँ जाओगे वहाँ तो पैसा आएगा ही। नहीं तो कई महिलाएं पूछती है कि अगर ये उपाय कर लिया तो हम जहाँ ससुराल में जाएंगे वहाँ तो पैसा आना कम नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब चलते इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा एक पार्ट जा रहा है जुपिटर की ओर। ये व्यक्ति को इसको थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यस, डिवाइडेशन है। शुरुआती जीवन में काफ़ी आदर्शवादी रहोगे आप, और ये कहीं ना कहीं आपको ससुराल पैसे वाला, शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होगा। दो में से कोई भी एक फ़ायदा मिलेगा। जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का, सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को एक, किसी को दो और किसी को 3 लाभ प्राप्त होते हैं। और एक सर्टेन एज के बाद ये आपको गुस्सा भी दिलाएगी शुरुआती जीवन में। और शनि पर्वत से शुरू होती है, तो पैसे की तरफ ललक ज़्यादा, कामुक भावना और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है। 1-2 फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। ये लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं, और ये चलकर सीधी बुद्ध पर्वत की ओर देख रही है। तो ऐसे लोग कोई ना कोई ऐसा गुण धर्म लेकर पैदा होते जो पैसा खींच कर लाते। पैसा कमाने की ललक उत्तम रहती है इनकी, अति उत्तम। काफ़ी कमर्शियल होते ये लोग, काफ़ी अच्छे कमर्शियल। अब चलते जीवन रेखा पर। पहले इनके अभी एज है, मैं इनकी पहले शादी की लाइन दिखा दूं। ये इस एज में इनकी 28 के आसपास ये लाइन शादी कराएगी। और इसके पहले देखिए यहाँ पर जीवन रेखा है ही नहीं, ये बीच में ये शादी की लाइन है, ये जीवन रेखा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जो साइन होती है उसका प्रभाव नहीं मिलता जीवन में। मैं इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए इस फोटोग्राफ का यूज़ लेता हूँ। ये देखिए, ये और यहाँ से जीवन रेखा शुरू हुई, और ये जो लाइन है ये शादी की लाइन है। अब इतने साल, कम से कम 6-7 साल का पूरा संघर्षपूर्ण जीवन बता रहा है व्यक्ति का। पर आने वाले समय में मुझे लगता है, अभी ये 26 के तो हो ही गए, लगभग 28 के आसपास से शादी के बाद इनको सफलता मिलते हुए जीवन में दिखेगी। क्योंकि यहाँ से जीवन रेखा, या उसके 1 साल पहले भी मिल सकती है, पर यहाँ पर कंफर्मेशन है कि ये लगभग शादी के आसपास से इनको सफलता मिलते हुए जीवन में दिखेगी। उसके पहले जीवन रेखा ही नहीं है, तो कितनी भी शुभ साइन हो व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है। और ये 20 के आसपास से संघर्ष कर रहे होंगे जीवन में। और मैं इसके लिए बात भी करना चाहूँगा इनसे कि ये जो मैंने कहा वो क्या हकीकत है। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी, थोड़ी सी बड़ी है, ये छोटी है। इसके बाद शादी के बाद एक 31 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, और 33 की ये बड़ी राहु रेखा आएगी। ये इनको परेशान करेगी। सॉरी, ये शादी के बाद 29 की एक छोटी सी है, और ये 31 वाली बड़ी है। उसके बाद एक छोटी सी 33 में, मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये शादी की लाइन 28 में, 29 के आसपास छोटी सी, फिर 31 में, और एक 32 में भी, 32-33 में भी छोटी है। उसके बाद एक और राहु रेखा आएगी, ये लगभग 3 साल, 35-36 के आसपास, और एक राहु रेखा आएगी 39 के आसपास। उसके बाद 45 के आसपास, उसके बाद 2 साल, 47 के आसपास, और एक लाइन 49 के आसपास, और एक 51 और एक 53। इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। इसके लिए उपाय है, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाइए, और ये फोर्क बनता है, ये यात्रा भी करवाएगा जीवन में। हाँ, केवल ये एक राहु रेखा थोड़ी सी बड़ी है, उसको छोड़कर बाकी की इतनी बड़ी नहीं है। पर फिर भी राहु रेखा आती है तो छोटी हो या बड़ी, जीवन में कष्ट तो आता ही है। तो ये मानसिक तैयारी रखना। फेट लाइन पर कट है, एज 31 के आसपास, एक कट 34 के आसपास, एक कट 39 के आसपास, एक छोटा सा कट 42 के आसपास, एक 44 के आसपास, और ये इन्वेस्टमेंट लाइन है 49 के आसपास, और ये भी इन्वेस्टमेंट लाइन है 54 के आसपास। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक तो जीवन रेखा नहीं, और ये देखिए ये मेरे हिसाब से ये माइंड लाइन ही है और यहाँ से इनकी जो धन रेखा ये मजबूत बन रही है लगभग 30-31 के आसपास से, और उसके पहले भी है पर यहाँ पर 30-31 के आसपास कोई बदलाव आएगा इनके जीवन में, और ये डबल माइंड लाइन भी इनको आगे चलकर बेनिफिट देगी, उसकी भी एज निकालता हूँ मैं। और ये जो पार्ट रहेगा ये थोड़ा सा कम ग्रोथ, पर इतनी अच्छी साइन है कि इस तरह की फेट लाइन में भी आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा। ये 38 से लेकर 41 या 40 तक, 38 से लेकर 41 तक का ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा, और ये भी एक्सपेंसिव तो रहेगा पर इसके जितना नहीं। तो 36 से लेकर अप टू 47 तक, 46 तक कहीं ना कहीं खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा कम ग्रोथ मिलेगा, पर उसके बाद भरपूर ग्रोथ इनके जीवन में आएगा अप टू बुढ़ापे तक। और ये इन्वेस्टमेंट से इनकम की लाइन भी है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम पाम है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको जो वर्तमान में तकलीफ है वो केवल जीवन रेखा ना होने के कारण काफ़ी उत्तम विकास करेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं। और उसमें भी ये लाइन अगर ये कहीं पर नॉर्थ पोल के आसपास की कंट्री में सेटल हो गए तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। ओवरऑल काफ़ी उत्तम पैसा कमाएंगे, काफ़ी प्रोग्रेस रहेगी जीवन में, तो आशा रखता हूँ। हाँ, इनकी डबल माइंड लाइन का एज निकालने की कोशिश करते हैं। लगभग 50 के आसपास से ये डबल माइंड लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से और विकास होता हुआ आपको दिखेगा और शार्प बनोगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।